आज हम बात करेंगे इंडिया के ओलंपिक मेडल्स के बारे में। भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं अब तक के ओलंपिक्स में से? कितने ओलंपिक पदक भारत के इन पास हैं, मेडल्स मिले हैं इंडिया को? तो देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इंडिया के बारे में है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ पदक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो सबसे पहला ओलंपिक हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ था, 1896 में। उसके बाद 4 4 ईयर्स का गैप देके ओलंपिक हुए। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, लेकिन इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसका मतलब कि इंडिया के पास उसमें कोई भी पदक नहीं था, क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जो सेकेंड ओलंपिक हुए थे 1900 में, ईयर में, तो इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था? 1900, यानी सेकेंड ओलंपिक्स में। और सेकेंड ओलंपिक्स में इंडिया ने 2 रजत पदक जीते थे। दो रज, कोई एक भी स्वर्ण नहीं था, एक भी कांस्य नहीं था, 2 रजत पदक थे। और दोनों एथलेटिक्स के गेम में थे, एथलेटिक्स के गेम में 2 रजत पदक जीते थे। उसके बाद 6 ओलंपिक्स का गैप आ गया 1904 के बाद, यानी कि जो 4 ईयर्स के गैप के बाद, 1900 के बाद, 1904, 8, 12, 16, 20, 24, इस ड्यूरेशन में इंडिया के पास कोई भी पदक नहीं था। इंडिया ने कोई भी पदक नहीं जीता। कितने ओलंपिक्स का गैप आया है? 6 ओलंपिक्स का गैप, यानी कि 6 ओलंपिक्स में, जो सेकंड ओलंपिक के बाद 6 ओलंपिक्स गए, उसमें इंडिया के पास कोई पदक नहीं था 1900 से 1924 तक। अगर आप देखोगे तो आप, अगर आप 4 4 ईयर्स का डिफरेंस अपने आप ही देख लोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि 1900 है तो ये 4 का गैप 4, ये 4 का गैप 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है ना? 6 ईयर यानी 24 तक कोई पदक नहीं था 1900 के बाद। उसके बाद 4 के बाद आए 1928 में, जब 7th ओलंपिक आए, उसमें इंडिया को हॉकी की टीम ने 1 स्वर्ण पदक दिलवाया, 1 स्वर्ण पदक, ठीक है? 28 के बाद जब नेक्स्ट ओलंपिक आया 1932 का, उसमें भी हॉकी की टीम को 1 स्वर्ण पदक मिला था ओलंपिक में। 32 के बाद, 36 में भी ओलंपिक में इंडिया को 1 स्वर्ण पदक मिला। यानी कि 6 ओलंपिक्स के गैप के बाद इंडिया ने लगातार 3 साल के 3 ओलंपिक में, 4 4 ईयर्स के गैप पे, एक तीनों स्वर्ण पदक लिए। 36 के बाद जो ओलंपिक हुए थे 1940 और 44, उसमें इंडिया के पास कोई भी पदक नहीं आया। फिर आए 1948 में, 1948 में हॉकी ने फिर से 1 स्वर्ण पदक लिया, ठीक है? 1948 में हॉकी की टीम ने फिर से 1 स्वर्ण पदक लिया। 52 में, नेक्स्ट में फिर से 1 स्वर्ण पदक, हॉकी की टीम ने बहुत सारे स्वर्ण पदक लिए हैं, ठीक है? 52 में फिर से 1 स्वर्ण पदक, 52 में, ठीक है? जब हॉकी की टीम ने 1 स्वर्ण पदक लिया था, उसके साथ साथ ही एक कुश्ती में आया था कांस्य पदक, एक कुश्ती में कांस्य पदक इंडिया में आया था। उसके बाद 52 के बाद 56 आए, जब नेक्स्ट ओलंपिक आया 52 के बाद, 4 ईयर्स के गैप्स के बाद, फिर से इंडिया के पास 1 स्वर्ण पदक आया हॉकी की टीम से 56 में। 56 के बाद जब 60 के ओलंपिक आए, उसमें हॉकी की टीम को रजत पदक मिला। कौन सा पदक? रजत पदक, सिर्फ हॉकी की टीम को, और किसी टीम को नहीं। कांस्य पदक एक कुश्ती में आया था, वो भी 1952 में, ठीक है? और स्टार्टिंग में जब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, 2 एथलेटिक्स में रजत पदक आए थे, उसके बाद हॉकी की टीम ने पदक लिए, और 52 में एक कुश्ती ने लिया, 60 में कांस्य पदक, रजत पदक मिला उसे। 1960 में इंडिया को हॉकी की टीम में रजत पदक मिला।
उसके बाद 64 में हॉकी की टीम ने फिर से स्वर्ण पदक लिया। हॉकी की टीम ने 1964 में फिर से स्वर्ण पदक लिया। फिर 68 और 72 में दोनों में हॉकी की टीम को ही कांस्य पदक मिले। 68 में भी 72 दोनों को ही कांस्य पदक मिले। ठीक है, मेन रोल किसका है? हॉकी का। इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी है, और हॉकी में इंडिया ने बहुत सारे स्वर्ण पदक लिए हैं। ठीक है, रजत 60 में मिला, 68 और 72 में कांस्य पदक मिला। ठीक है, अब इसके बाद 72 के बाद 76 के जो ओलंपिक आए थे 1976 के, उसमें इंडिया को कोई भी पदक नहीं मिला था। उसके बाद जो 80s के ओलंपिक आए थे 1980 के, तब उसमें फिर से एक स्वर्ण पदक मिला। और उसके बाद 80 के बाद इंडिया को हॉकी में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। आखिरी स्वर्ण पदक इंडिया को हॉकी की टीम ने 1980 में ही मिला। हॉकी की टीम को कोई स्वर्ण पदक ना ही रजत मिला ना ही कांस्य मिला अब तक। अब देखते हैं आगे 84, 88 और 92 में इंडिया को कोई पदक नहीं मिला। 96 में कांस्य पदक एक मिला, वो भी टेनिस में। 96 में टेनिस में एक कांस्य पदक मिला। ठीक है, एक कांस्य पदक टेनिस में। 90s में एथलेटिक्स में मिला था, दो एथलेटिक्स में रजत पदक मिले थे। और 52 में कुश्ती में मिला था, बाकी बीच में सबने हॉकी में लिया। 90s में फिर टेनिस में आया। ठीक है, 1996 में इंडिया को टेनिस में एक कांस्य पदक मिला। 96 के बाद 2000 की गेम आई। 2000 में इंडिया को एक भारोत्तोलन में इसमें एक कांस्य पदक मिला। उसके बाद 2004 के जो ओलंपिक आए उसमें इंडिया को निशानेबाजी में एक रजत पदक मिला, सिर्फ एक रजत पदक, वो निशानेबाजी में। फिर 2008 के ओलंपिक्स आए, 2008 में इंडिया को निशानेबाजी में ही एक स्वर्ण पदक मिला। और इसके अलावा कांस्य पदक एक मुक्केबाजी में और एक कुश्ती में, दो कांस्य पदक मिले। दो कांस्य पदक, एक मुक्केबाजी से आया था, एक कुश्ती से आया था, और निशानेबाजी स्वर्ण पदक आया था 2008 में। ठीक है, अब फिर 2012 की बात आती है, नेक्स्ट ओलंपिक आए। 2012 में इंडिया को कोई स्वर्ण पदक तो नहीं मिला, लेकिन इंडिया के पास 6 पदक आए, जिसमें से 3 रजत थे और 3 कांस्य पदक थे। एक निशानेबाजी से, एक कुश्ती से, और दूसरा भी कुश्ती से, यानी 2 कुश्ती से और एक निशानेबाजी से 3 पदक मिले, 3 रजत पदक आए। ऐसे ही 3 कांस्य पदक भी आए थे। ठीक है, वो कैसे? एक मुक्केबाजी में, एक निशानेबाजी में और एक बैडमिंटन में 3 कांस्य पदक आए। यानी कि 2012 में इंडिया ने सबसे ज्यादा पदक, इंडिया के पास ज्यादा पदक आए थे बाकी ओलंपिक्स के कंपैरिजन में, बाकी सालों के ओलंपिक्स के कंपैरिजन में, जो कि 6 थे, 6 पदक आए। इसमें कोई स्वर्ण नहीं था, लेकिन 3 रजत थे, 3 कांस्य थे। ठीक है, रजत 2 कुश्ती के थे, एक निशानेबाजी का था, और कांस्य 1 मुक्केबाजी का था, एक निशानेबाजी का और एक बैडमिंटन का। 2016 में जब ओलंपिक हुए उसमें इंडिया को एक बैडमिंटन में रजत पदक मिला था, वो एक महिला थी बैडमिंटन में रजत पदक। वो कौन थी बैडमिंटन? देखिए, जो 2012 में एक निशानेबाजी में, 2 कुश्ती में कांस्य, 1 मुक्केबाजी, 1 निशानेबाजी और 1 बैडमिंटन में, 2016 में इंडिया को एक बैडमिंटन महिला को पदक मिला था। ठीक है, जो एक महिला थी, और 1 कुश्ती में मिला था कांस्य पदक, वो भी एक महिला थी। ठीक है, वो एक लेडी थी, दोनों ही, 1 बैडमिंटन और 1 कुश्ती। बैडमिंटन में रजत पदक और कुश्ती में कांस्य पदक मिला। अब इसमें देखिए कि 2020 के जो ओलंपिक्स हैं वो अब आएंगे,
ठीक है, वो अब ऑर्गेनाइज होंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये जो ओलंपिक्स हैं 2020 के, ये कब हो, कहां होंगे? ये ओलंपिक्स होंगे टोक्यो में, जापान में, टोक्यो में होंगे, जापान के टोक्यो में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए 2012 में क्या हुआ था, 2012 में इंडिया को 6 पदक मिले थे, जिसमें से 3 रजत थे, 3 कांस्य थे, स्वर्ण कोई भी नहीं था। तो देखिए क्या, पहले 3 रजत पदक थे, तो निशानेबाजी में जिसने रजत पदक जीता था वो थे विजय कुमार, विजय कुमार ने निशानेबाजी में 1 रजत पदक लिया था। दूसरा 2 कुश्ती में आए थे, 2 रजत पदक कुश्ती में आए थे, 1 रजत पदक सुशील कुमार को मिला था और दूसरा रजत पदक योगेश्वर दत्त को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, अब कांस्य की बारी आ रही है। कांस्य में भी 3 पदक आए थे, 1 मुक्केबाजी में, 1 निशानेबाजी में और 1 बैडमिंटन में। निशानेबाजी में जिसको पदक मिला था कांस्य, वो थे गगन नारंग, गगन नारंग को 1 कांस्य पदक मिला था निशानेबाजी में 2012 में, 2012 के पदक की बात चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला था मेरी कॉम को, मेरी कॉम को, मेरी कॉम को मुक्केबाजी में पदक मिला था। और ये पहली ऐसी महिला थी या लेडी थी जो कि ओलंपिक से भारत के लिए पदक लाई थी 2012 में। अब बैडमिंटन, बैडमिंटन में भी पहली महिला जो कि बैडमिंटन में पहला पदक लाई थी वही थी साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, इन्होंने भी इंडिया के लिए 1 कांस्य पदक जीता था 2012 में। यानी 2012 में इंडिया के पास कुल 6 पदक आए थे, जिसमें स्वर्ण नहीं था, 3 रजत थे और 3 कांस्य पदक थे, ठीक है। अब देखिए कि ये जो सुशील कुमार है, सुशील कुमार सेकंड नंबर पे, जिन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता था, ठीक है, इनमें क्या हुआ था कि सुशील कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते, ठीक है ना। एक 2008 में जीता था जो कि बीजिंग ओलंपिक हुए थे, और उसके बाद 2012 में जीता, 2008 में जो उन्होंने जीता था वो था कांस्य पदक और 2012 में उन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है, सुशील कुमार ने। और देखिए 2008 में निशानेबाजी में इंडिया को 1 स्वर्ण पदक मिला था 2008 में, ठीक है, 1 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में। ये पहला स्वर्ण पदक था जो हॉकी के अलावा किसी और चीज से इंडिया पे आया था, ठीक है। अब देखते हैं, इसी पे ही आगे चलते हैं। ओलंपिक में ही जो पहली जो भी हमारे 2012 में जो योगेश्वर दत्त हैं, जिन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता था 2012 में, इन्होंने असल में कांस्य पदक जीता था, लेकिन क्या हुआ था कि एक डोपिंग के थ्रू, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो रूस के बेसिक जो कुदुखोब थे उन्होंने डोपिंग की थी, यानी कि खेल में गड़बड़ करना, गलत तरीके से जीत जाना, ठीक है। जो बेसिक जो कुदुखोब थे उन्होंने उन्होंने जीता था रजत पदक, लेकिन क्या हुआ, उनको डोपिंग का दोषी पाया गया, जिस वजह से जो योगेश्वर दत्त है जिन्होंने कांस्य पदक जीता था उनका पदक रजत में बदल गया था, यानी उनको रजत पदक दिया गया था कांस्य की जगह, ठीक है। अब देखिए कि अब ये डोपिंग क्या होता है, डोपिंग क्या होता है कि जब ओलंपिक्स होते हैं तो ओलंपिक्स में पिछले 10 ओलंपिक्स का डाटा बोल सकते, 10 ओलंपिक जो हो चुके हैं 10 सालों का डाटा रखा जाता है, और ये जो डाटा होता है इसको सर्च किया जाता है इस पे, ठीक है, उसको दोहरा देखा जाता है ताकि अगर किसी ने कोई गलत तरीके से जीता है
तो उसको उस गलती को दोबारा ना दोहराया जा सके, तो उसे डोपिंग का दोषी करार दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, सम्मेलन होते हैं, तो उसे उसको जो गलत तरीके से जीता है उस गलती को दोबारा सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये इंडिया के पदक थे जो इंडिया ने ओलंपिक्स में जीते थे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।